वेलकम टू द चैनल गाइस। पिछली वीडियो में जो आग लगी थी वो ठंडी होने से पहले ही लाया हूं नई लकड़ी। अबे लकड़ी खड़ी देनी है पड़ी देनी है डिसाइड करो ये वीडियो देखने के बाद। सोनू सूद ने किर्गिस्तान से इंडियन स्टूडेंट्स के वापस आने का अरेंजमेंट किया, बाकी बातें बाद में। पहले ये बताओ किर्गिस्तान जैसे देश में तुम पढ़ने क्या गए थे? हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड तो ठीक है, ये किर्गिस्तान यूनिवर्सिटी में कौन सा स्पेशल कोर्स चल रहा है? रही बात सोनू सूद की तो गडकरी साहब अलर्ट हो जाओ, जिस स्पीड से यह बंदा ट्रांसपोर्टेशन के काम में लगा है तुम्हारी परिवहन मंत्रालय की कुर्सी कभी भी छीन सकती है। इधर सरकार लंबे समय से विजय माल्या को वापस लाने के नाकाम ट्राई कर रही है, मिनट से पहले सोनू सूद लंदन भेजो, ये जालिम विजय माल्या और उसकी सारी प्रॉपर्टी को मजदूरों की तरह बस में ठूस के वापस इंडिया भेज देगा। चीन ने फिर से ईस्ट भूटान पे अपना कब्जा बताया है। अरे सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते कि पूरा भूटान ही तुम्हारा है? ईस्ट निकालने के बाद भूटान में बचेगा ही क्या? बाकी डायरेक्शंस के लिए तो जगह भी नहीं है उसमें। इतना हक तो बेबी अपने बाबू पे नहीं जताती कि जितना चाइना अपने पड़ोसियों की जमीन पे जताता है। गंदी नजर के मामले में चाइना शक्ति कपूर से भी दो कदम आगे ही निकलेगा। इसलिए प्लाट खरीदने वालों, मेरी सलाह है कि 200 गज का लेना हो तो 800 गज का लेना, क्योंकि बाकी 600 गज पे तो चाइना अपना झंडा लेके बैठ जाएगा। चाइना पालिका बाजार के उस बदमाश दुकानदार की तरह है जो बेल्ट चश्मों के दाम 1000 रुपए से शुरू करता है और धीरे धीरे करके 40 रुपए पे आ जाता है। इस पे भी ना खरीदो तो गाली जरूर बकता है। इंडिया, जापान, साउथ चाइना सी के देशों से बेइज्जत होने के बाद अब ये भूटान पे कुंडली मार के बैठा है। हासिल इसे वहां से भी कुछ नहीं होना, उसके बाद ये भी बस गाली ही बकेगा। इधर हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि वाल वाले N95 मास्क सेफ नहीं है। इंडिया में हर चीज का ज्ञान स्लो मोशन में ही क्यों आता है? जिसे हम अब तक छतरी का डॉट समझते थे वो तो खुले होल निकले। सुपरमैन की चड्डी के बाद ये दूसरी चीज है जिसे पहनने का कोई मतलब नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यदि वे इलेक्शन में हारते हैं तो इलेक्शन रिजल्ट नहीं मानेंगे। सही जा रहे हो ट्रंप साहब, ऐसे ही ईवीएम का रोना लगाए रखो, प्रेसिडेंट ना भी बन पाए तो किसी स्टेट का गवर्नर जरूर बन जाओगे। वैसे मजा तो बहुत आने वाला है, हार गया तो ये नहीं मानेगा और जीत गया तो जनता नहीं मानेगी। वैसे मुझे ट्रंप के जीतने की होप कमी है। इंडिया में आके विवेकानंद को विवेकामुंडम बोलोगे तो नाश तो तय ही है बेटा। हम यज्ञ हवन करा के तुमको जितवा सकते हैं तो श्राप देके तुमको हरवा भी सकते हैं। श्रीलंका की एविएशन अथॉरिटी रावण के हवाई रूट्स पे करेगी रिसर्च। एक बात बताओ, डंडू मोनारा सुन के तुम्हारे दिमाग में कौन सी चीज आती है? बेशक पुष्पक विमान तो नहीं आया होगा, श्रीलंका में पुष्पक विमान को डंडू मोनारा कहते हैं। ये मासूम लोग डंडू मोनारा ढूंढने निकले हैं, अब लगा लो इन्हें क्या मिलेगा। श्रीलंका वालों के लिए रावण का ऑब्सेशन अलग ही लेवल का है। पिछले साल इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसका नाम था रावण वन। मैं कह रहा हूँ थोड़ा हल्का हाथ रख लो, कहीं किसी दशहरे पर DRDO वाले मिसाइल से तुम्हारे रावण वन का 1-2 का 4 न कर दे। हवाई रूट ढूंढने से बढ़िया है अपने बॉलरों की लाइन लाइन ढूंढ लो थोड़ी सी। मैच जीत के जो पैसे मिले उसे चाइना को देगा उधार चुकता करो और हमन टोटा बचाओ अपना। और रावण कौन सा कोलंबस था जिसने पूरी दुनिया का चक्कर मारना था? मुझसे पूछो इनके डंडू मोनारे का हवाई रूट। रावण नाक की सीध में लंका से उड़ा, कांड करके नाक की सीध में वापस हो लिया। बाइक सवार बदमाशों ने गाजियाबाद में एक आदमी से उसका पर्स लूट लिया और फिर बाद में उसका ATM पिन पूछने वापस आए। पुलिस ने गोली मार के किया घायल। वेरी अनप्रोफेशनल। बदमाश भाइयों, तुम एक काम करो, कनपट्टी पे बंदूक लगाते ही कस्टमर के हाथ में एक फॉर्म थमाओ जिसमें उसके ATM, इंटरनेट बैंकिंग और UPI के पासवर्ड एक साथ भरवा लिए जाएं ताकि बाद में कोई चिकचिक ना हो। वैसे यूपी में माहौल बहुत खराब है आजकल, बेटर तो ये होगा कि तुम बुलेट प्रूफ जैकेट ले लो या मास्क बेचने का धंधा खोल लो, नहीं तो पुलिस को पपलू फिट करने में देर नहीं लग रही। बॉलीवुड के कई एक्टर्स की फोटोज देशद्रोही कार्यों में लिप्त उग्रवादियों के साथ देखी गई हैं। इस पे बीजे पांडा का कहना है कि कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ISI और पाकिस्तानी आर्मी के साथ लिंक हैं। इस बात में कुछ तो सच्चाई है, तभी तो बॉलीवुड ने बिना सर पैर की मूवीज बना के पब्लिक के दिमाग में टेरर फैला रखा है। ISI और पाकिस्तानी आर्मी ने बॉलीवुड को अच्छे से ट्रेनिंग दी है कि कैसे जनता का पैसा लूट के उन्हीं की ऐसी की तैसी करनी है। आरोप यह भी है कि पाकिस्तानी आर्मी और ISI बॉलीवुड मूवीज में पैसा लगाते हैं। भाई ये आरोप बिल्कुल गलत है। जिनके पास अपने खाने पीने के पैसे ना हो उनके बस की बात कहां कि हजारों करोड़ रुपए के बिजनेस में हाथ डालें। मार्च के बाद पहली बार अफगानिस्तान से सामान पाकिस्तान होते हुए भारत आया है। इस सामान में बड़ी क्वांटिटी ड्राई फ्रूट्स की थी। अफगानिस्तान वालों, एक बात भाई की भी मान लो, थोड़ा ध्यान हमारे पड़ोसियों का भी रखा करो। कुछ काजू बादाम रास्ते में इन कंगलों के अभी गिरा दिया करो, थोड़ी बुद्धि इनकी खुल जाएगी, बेचारे खुशबू सूंघ सूंघ के रह जाते हैं। बादाम का एक ट्रक काठमांडू भी उतरवा दो, वरना KP ओली भगवान राम को नेपाली बना के ही छोड़ेगा। इंडिया ने चाइना को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखने के ऑर्डर जारी किए हैं। यहाँ इंडियन गवर्नमेंट मात खा गई, ये फैसला एकदम गलत है। बल्कि इन चाइनीज कंपनियों से सारा काम करवा लो और बाद में बोल दो कि खाते में लिख लेना। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सेल्फी के चक्कर में 2 लड़कियां नदी के फ्लो में फंस गईं और मरते मरते बची। शाबाश शेरनियों, तुमने प्रूव कर दिया कि घर में, मार्केट में, कॉलेज में बढ़िया सेल्फी नहीं आती, असली सेल्फी तो आती है मौत के मुंह में। वैसे अगर नदी के बीच में सेल्फी बढ़िया आती है तो जाके असम और बिहार की बाढ़ में क्लिक करो, फोटो भी एक नंबर आएगा और थोड़ी देश की हालत भी पता चल जाएगी। स्लो इंटरनेट की वजह से MPs ने BSNL MTNL को रिप्लेस करके प्राइवेट कंपनीज का नेट मांगा है। तुम्हें क्या लगता है ना कभी फास्ट इंटरनेट नहीं मिला? दिया गया था कर्नाटक असेंबली में एक बार, काम छोड़ के लग गए थे काम वाली वीडियो देखने में। वैसे सोचने की बात है कि पिछले साल सरकार ने BSNL MTNL को अपनी खस्ता हालत सुधारने के लिए 70,000 करोड़ रुपए दिए थे, ये सारे पैसे इन्होंने हिंदुस्तान बोल रहा है बनाने में ही खर्च कर डाले। और पबजी खेलने वालों, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। TikTok तो बैन कर दिया सरकार ने, लेकिन पबजी को बैन नहीं करेगी बल्कि तुम सबके नंबर BSNL में पोर्ट करा देगी, फिर खेलते रहना पबजी। ऐसे में अगर अपना नंबर BSNL में पोर्ट होने से बचाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट मारो, लाइक पीटो दबा के। मिलते हैं अगली वीडियो में।